हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटिया स्टडीज। तो आज हमारे सामने जेमिनी 2023 25 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जिसमें से क्या क्वेश्चन क्या हमें दे रखा है, वाई इज इक्वल टू 1 + x 1 + x² देन ये सिंपल है, हमें वाई डैश माइनस वाई डबल डैश एट x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे 1 + x है, देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाई में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 - x को। अगर y में 1 - x को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 - x², ये हो जाएगा इंटू 1 + x² है, तो ये 1 - x^4, फिर 1 - x^4 और 1 + x^4 मिलकर हो जाएगा 1 - x^8, और फिर 1 + x^8 के साथ वो मिलकर हो जाएगा 1 - x^16, और 1 + x^16 और 1 - x^16 का वैल्यू आ जाएगा 1 - x^32। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेने चाहिए वाई डैश निकालने के लिए। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वाई डैश फिर 1 - x रह जाएगा, एंड ये वाई इंटू 1 - x है, तो 1 - x का डिफ्रेंशिएशन तो -1 होता है, यानी और वाई तो रह जाएगा, तो -1 यहाँ पे हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे से लिख सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके, -32 × x^31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आपको क्लियर होगा। एंड अब वाई डबल डैश निकालना है, तो वाई डबल डैश निकाल सकते हैं यहाँ से। तो वाई डबल डैश निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 - x हमें दे रखा है। ठीक है, तो 1 - x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 हो जाएगा। ठीक, अभी इसे वाई डैश ही रहने देते हैं, एंड अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फिर से। अगर हम वाई डैश का डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वाई डबल डैश होगा और 1 - x रह जाएगा, प्लस हमें -y दे रखा, तो -y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -y डैश इज इक्वल टू -32 है, तो -32 × 31 x^30 हो जाएगा 30। अब ये y डैश है और ये -1, यानी कि -y डैश और ये भी -y डैश, यानी -2y डैश हो गया। ठीक है, -2y डैश। अब x इज इक्वल टू -1 दे रखा है, यहाँ से x इज इक्वल टू -1 भी अगर पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से -2y डबल डैश इज इक्वल टू x का वैल्यू -1 पुट किए, तो ये तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -32 × 31 यहाँ से मिलेगा। एंड 2 कॉमन लेने के बाद इधर कैंसिल करते हैं, तो हमें मिल जाएगा y डैश प्लस y डबल डैश, और माइनस भी कॉमन ले लिया और इसे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 16 × 31। और हमें किसका वैल्यू निकालना है यहाँ पे, y डैश माइनस y डबल डैश का। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास -y, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, देन यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि y डैश माइनस y डबल डैश का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 16 × 31। तो 16 × 31 अगर करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है वैल्यू, 496। तो इसका आंसर हो जाएगा 496। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।